आ देयर वी गो अनदर वीकेंड। ये वीकेंड पे तो कुछ अलग करने की चाह है, कोई नई जगह देखने जाना है और कोई नए रोड पे ड्राइव भी तो करना है। इसी को तो जीना कहते हैं। बट करे तो क्या करे। Now someone suggested a really nice and interesting place which is of geological and scientific importance, so I'm quite excited to go there. But the thing is ki wahan pe raaste kaise honge, I'm not sure about that. Since I'm traveling solo, main socha hu koi compact SUV hi leke jao. Lekin the basic monocoque compact SUVs, they are fine for normal basic usage, but since I'm thinking of taking the path less taken, I'll prefer something tough and dependable. To chaliye nikalte hain ek nayi kahani banane, main aur Mahindra Bolero Neo. So you guys might be wondering, मैं कहाँ जा रहा हूँ? Well, I'm going to Lonar Lake, which is a national geological monument as stated by the government of India. तो क्या है वो जगह की कहानी, क्या खास है वो जगह के बारे में, वो तो मैं आपको वही जाके बताऊंगा, बट यू कैन सी द स्माइल ऑन माय फेस। सो द थिंग इज दैट आई रियली गेट फैसिनेटेड विद द थॉट ऑफ ड्राइविंग ऑन अ न्यू रोड एवरी टाइम, एंड टुडे आई विल बी ड्राइविंग ऑन द न्यूली इनॉग्रेटेड समृद्धि एक्सप्रेसवे, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आई विल बी ड्राइविंग एन इंडियन कार ऑन दैट एक्सप्रेसवे। सो यस, आई एम क्वाइट किक्ड अबाउट दैट। बस ये थोड़ा ट्रैफिक क्लियर हो जाए। I noticed this thing in heavy traffic. It is actually very easy to navigate this car through bumper to bumper traffic, through tight situations, because the thing is that iski jo driving position hai, that is very commanding. So you get a nice view of the bonnet and what's around you, and in fact the big mirrors on the sides, they also aid to better visibility. So now that the roads are clear, it is time to hit National Highway 3. Nashik ki taraf jayenge and wahan se we'll get onto the Samruddhi Expressway. Now I'm finally on the Samruddhi Expressway and this is truly amazing. ये तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर है, एंड द कंस्ट्रक्शन इज रियली स्टेट ऑफ द आर्ट। नाउ न्यू इंडिया इज ऑन द राइट पाथ इन लिटरल सेंस। न्यू इंडिया हैज अमेजिंग रोड्स, अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन कंपनीज आर चर्निंग आउट अमेजिंग प्रोडक्ट्स। उसमें से एक है महिंद्रा की बोलेरो नियो, एंड फाइनली मैं भी तो एक हिस्सा हूँ न्यू इंडिया का। सो द बोलेरो नियो फील्स राइट एट होम ऑन द एक्सप्रेसवे ओवर हियर। द एमॉक डीजल इंजन इज अ प्रॉपर वर्क हॉर्स। इट इज अ फिलेट शटेड फॉरगेटेड इंजन, एंड द कार फील्स वेरी रिलैक्स्ड व्हेन क्रूजिंग ओवर हियर। मैं भी ड्राइव काफी एंजॉय कर रहा हूँ। एक्सप्रेसवे इज कम्प्लीटली एम्प्टी, हार्डली एनी कार्स ओवर हियर। सो मैंने क्रूज कंट्रोल को सेट कर दिया है, गाड़ी आराम से चल रही है। अभी तो काफी लंबा जाना है, 200-250 किलोमीटर जाना है आगे। In fact, I've been listening to music since morning, though my phone is connected to the infotainment system via Bluetooth. This has a touch screen, and in fact, ये सब चीजों के बारे में बात करके एक गाना है जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है, so I would like to sing it for you guys also. छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर पे लिखेंगे मिलकर एक नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। सो आई जस्ट गॉट ऑफ द समृद्धि एक्सप्रेस वे, एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे गाड़ी चलाने का। मतलब मैंने तो पहली बार चलाई यहाँ पे गाड़ी, एंड या इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। द बोलेरो नियो फील्स राइट एट होम ऑन द हाईवे, इट क्रूजेज एफर्टलेसली, एंड ओवरऑल तो मुझे मतलब मजा आ गया क्रूज करने में। लेकिन अभी मैं जो जगह पे जा रहा हूँ, दैट इज स्टिल अराउंड 50-60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेर आई एम राइट नाउ। तो अभी मैंने सुबह से करीबन 430 किलोमीटर्स चला ली है गाड़ी, ऑलमोस्ट अराउंड 60 किलोमीटर्स चलाना है, और यानी कि आई थिंक एक घंटा लग जाएगा। और अभी तो सुबह से मैं हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे ही चला रहा हूँ, लेकिन
थोड़ी ऑफ रोडिंग भी तो करनी पड़ेगी. द प्लेस आई एम गोइंग दैट इज यू नो ऑफ द रेगुलर पाथ दैट पीपल टेक, तो वहाँ पे थोड़ी ऑफ रोडिंग करके जाना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट टेरेन आ जाएगा, जिसकी वजह से ही तो मैं बोल रहा हूँ नियो लेके निकला हूँ आज. तो हाँ, थोड़ी ऑफ रोडिंग करेंगे, इट शुड बी फन. एंड दिस इज एक्चुअली क्वाइट फ्यूल एफिशिएंट ऑल्सो, सो आई बीन ड्राइविंग एज आई मेंशन 430 किलोमीटर सिंस मॉर्निंग, एंड द MID इज शोइंग अराउंड 17 किलोमीटर्स पर लीटर, विच आई थिंक इज फैबुलस. तो यही है बस, चलिए अभी कंटिन्यू करते जर्नी. देख रहे हो कितनी ऑफ रोडिंग करनी पड़ रही है, कितनी कैसी कैसी जगहों पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ मंजिल तक पहुँचने के लिए. नाउ दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट द बोलेरो नियो, रगेड ड्यूरेबल बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन, रियर व्हील ड्राइव लेआउट, MLD इसमें आपको मिल जाता है. एंड जस्ट इमेजिनिंग अगर मैं यहाँ पे कोई नॉर्मल मोनोकॉक कॉम्पैक्ट SUV लेके आया होता तो क्या मैं पहुँच पाता यहाँ पे? मे बी नॉट. So this is the place that I was talking about. This is Lonar Lake. Do you know what happened here? 52,000 years ago, a meteor impact took place over here, and this is the impact that it created. Now this is gigantic in size. ये lake का जो diameter है वो 1.2 kilometers है. So you can imagine how big it is. पूरे दुनिया में ऐसे चार ही impact हुए हैं, जिसमें से 3 are in South Brazil, and this one is here in Maharashtra in India. Now I'll tell you a fun fact about this place. ये lake के जो soil में minerals मिले, those are the same ones that were brought back from the moon rocks during the Apollo program. Now, personally, I really like visiting such places. मुझे ऐसी अद्भुत जगहें देखना बहुत ज़्यादा पसंद है. And to reach such unique places, you of course need a very tough and capable vehicle. और आज ये finally हो पाया, thanks to the Bolero Neo. This was a weekend to remember. I mean, today being a Saturday, I had the time of my life. I have driven almost 500 kilometers since morning to see this view. और ये weekend में मेरी साथी थी Mahindra की Bolero Neo. और इतना drive करने के बाद इतने अच्छे roads पे, बुरे roads पे off-roading करके भी मैं ज़रा भी थका नहीं हूँ. In fact, अभी तो मुझे मज़ा आ रहा है. In fact, I'm thankful कि मैं बॉम्बे से निकला और यहाँ पे आया ये नज़ारा enjoy करने के लिए. I drove on some amazing roads. I learned something new. And most importantly, I got time to unwind a bit. And you know, just soak in the beauty of nature. अभी मैं यहाँ पे बैठ के क्या करने वाला हूँ? मैं ये सनसेट का नज़ारा इन्जॉय करने वाला हूँ. मैं, मेरी कॉफ़ी और मेरा म्यूज़िक ये गाड़ी में जो प्ले होगा. मेरा फ़ोन ऑलरेडी कनेक्टेड है ब्लूटूथ से, तो कोई कामिंग म्यूज़िक प्ले करते थे. थोड़ा गाना लगा लिया है मैंने, एंड नाउ इट्स जस्ट मी एंड माई सेल्फ. आई एम लिविंग इन दिस मोमेंट राइट नाउ. आई एम रियली इन्जॉइंग दिस मोमेंट. इनफैक्ट मुझे लगता है कि हम सभी को वंस इन अ वाइल ऐसा कुछ करना चाहिए. अकेले निकल जाओ रोड ट्रिप के लिए, फ्रेंड्स के साथ निकल जाओ, फैमिली के साथ निकल जाओ, बट डू समथिंग लाइक दिस दैट यू नो मेक्स यू ब्रेक अवे फ्रॉम द मोनोटोनस डेली लाइफ दैट वी लीड. सो आई गेस दैट्स अबाउट इट. अभी मैं अपना सनसेट इन्जॉय कर लेता हूँ. आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगाओ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू वेरी सून.